गाइस, वेलकम टू क्रिप्टो न्यूज। एथीरियम 2.0 के रिलीज से पहले उसका फाइनल टेस्ट लाइव हो चुका है। एथीरियम 2.0 एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रूफ ऑफ स्टेक के जरिए ट्रांजैक्शन करने की एबिलिटी देगा। पहले एथीरियम 1.0 आपको ये चांस देता था कि आप एक सेकेंड में 15 ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक की वजह से अब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि आप एक सेकेंड के अंदर 1000 ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे, जिसकी वजह से समय भी बचेगा और आपकी जो ट्रांजैक्शन फ़ी होगी, जो आप नोट्स को पे करते थे, वो भी कम होगा। तो ETH2 टेस्टनेट में डाला लाइव जा चुका है थोड़ी ही देर पहले। एक घंटे के बाद उसमें स्टेबलाइजेशन आई जब उसमें 20,000 नोड्स और 5 क्लाइंट्स जुड़े। एथीरियम 2.0 एक बहुत बढ़िया चांस हो सकता है क्योंकि वो प्रूफ ऑफ वर्क पर नहीं लेकिन प्रूफ ऑफ स्टेक पर काम करता है, जिसकी वजह से जो लोग हैं वो स्टेक होल्डिंग भी कर सकते हैं और इसकी वजह से जो लोग इंटरेस्टेड होंगे इस मार्केट में उनका नंबर भी बढ़ जाएगा। तो देखना यही होगा कि ये जो लास्ट फेज है, जो लास्ट टेस्टिंग है एथीरियम 2.0 की, जो थोड़ी ही देर पहले लाइव जा चुकी है, वो सफल होती है या नहीं। इसमें जो भी छोटी मोटी गलतियां या कोई चेंजेस जो करना चाहेंगे एथीरियम प्लेटफॉर्म वाले, वो चेक करेंगे कि ये एक फीजिबल प्लेटफॉर्म है या नहीं, क्योंकि एथीरियम 2.0 बहुत टाइम से टेस्टिंग पर चल रहा था लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि ये लास्ट फेज है जिसमें उसकी टेस्टिंग होगी और उसके बाद उसे मेन नेट पर डाला जा सकता है। कहा यह जा रहा है एक्सपर्ट्स द्वारा कि एथीरियम 2.0 2022 तक लाइव हो सकता है, मेन नेट पर आ सकता है, जिसकी वजह से जनरल पब्लिक भी उसे इस्तेमाल कर सकती है। तो हमें देखना यही होगा कि ये जो बेटर चांस हमें मिल सकता है एथीरियम 2.0 के ज़रिए, वो हमें मिलता है या नहीं, कि ये टेस्ट नेट जो मेडाला है उस पर ये फीजिबल साबित होता है या नहीं। कहा यह भी जा रहा है कि ये जो फाइनल टेस्टिंग है, इसके बाद एथीरियम 2.0 के जो माइनर चेंजेस है, जब वो कंप्लीट हो जाएंगे, तो वो एक बहुत ही बढ़िया सेफ ट्रांजैक्शन करने के लिए प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। एथीरियम 1.0 में यही था कि उसमें प्रूफ ऑफ वर्क काम करता था, जिसकी वजह से आपके जो ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें नोड्स वैलिडेट कर सकते थे, जिसकी वजह से टाइम भी ज़्यादा लगता था और एक ही टाइम पर बहुत ज़्यादा ट्रांजैक्शंस करना भी सही नहीं था क्योंकि ऐसा किया ही नहीं जा सकता था। लेकिन अब एथीरियम 2.0 आपके लिए नया चांस लेकर आ रहा है कि आप एक ही टाइम पर काफ़ी सारे ट्रांजैक्शंस कर सके, जिसकी वजह से एथीरियम प्लेटफॉर्म पर हो सकता है कि लोग जो वॉल्यूम्स हैं उन्हें इंक्रीज करें और ट्रांजैक्शंस ज़्यादा करें। तो हमें देखना यही है कि एथीरियम 2.0 की ये जो लाइव टेस्टिंग हो रही है उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइज। इस वीडियो पर लाइक, शेयर और कॉमेंट ज़रूर करें और हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप क्या नया कंटेंट देखना चाहेंगे। अगर आपको फाइनेंस की दुनिया में बहुत इंटरेस्ट है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारा कोई भी नया वीडियो मिस ना करें।